महाराष्ट्र के पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक को मिली धमकी के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए घोर निंदा की है। अठावले ने कड़े शब्दों में धमकी देने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और अठावले ने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के टीकों ने देश और विदेश में लोगों और खासतौर पर बच्चों की जान बचाने का काम किया है। कोरोना रोधी वैक्सीन कोविशील्ड के निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने खुद बताया है कि उन्हें वैक्सीन के लिए देश के ताकतवर लोग धमका रहे हैं, इसलिए वे अभी ब्रिटेन से भारत नहीं लौटेंगे। देश में महामारी थम नहीं रही है, टीकों की किल्लत हो रही है। इस बीच वैक्सीन के लिए दबाव बनाने और धमकी भरे फोन करने के मामले का सामना आने चिंता पैदा करने वाला है। और बता दें कि हाल ही में अदार पूनावाला को केंद्र सरकार ने वायु श्रेणी की सुरक्षा भी मुहैया कराई। केंद्र द्वारा वायु श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने के बाद अपनी पहली टिप्पणी में अदार पूनावाला ने लंदन के अखबार द टाइम्स के साथ बातचीत में कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन की आपूर्ति की मांग को लेकर भारत के सबसे शक्तिशाली लोगों में से कुछ ने उनसे फोन पर आक्रामक बातें की हैं और उनके पास मुख्यमंत्रियों, व्यवसायिक महारथियों जैसे लोगों के आक्रामक फोन आ रहे हैं और उन्हें कोविशील्ड को तत्काल आपूर्ति के लिए कहा जा रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।